हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर कार्स इन इंडिया में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको 2022 के टॉप 5 अपकमिंग कार के बारे में फुल डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नंबर पर जो कार आती है जिसको 2022 में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है, वो है रेनॉल्ट कंपनी की अरकाना। गाड़ी की ओवरऑल बात करी जाए तो रेनॉल्ट की ये नई कार मिड साइज एक्सयूवी कार रहने वाली है। इस गाड़ी के अंदर आपको 1.5 लीटर DCI इंजन देखने को मिल जाता है और साथ ही पेट्रोल और डीजल से दो वेरिएंट ऑप्शन के साथ ही गाड़ी आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाती है। गाड़ी की प्राइसिंग की बात करें जाए तो 10 लाख की एक शोरूम प्राइस की शुरुआती कीमत पर गाड़ी आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाती है। सेकेंड नंबर पर जो कार आती है वो है किया कंपनी की सेल्टॉस फेसलिप मॉडल। गाड़ी की ओवरऑल बात करी जाए तो किया सेल्टॉस का फेसलिप मॉडल इंडिया में बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। गाड़ी के एक्सटर्नल और इंटीरियर की बात करी जाए तो काफ़ी सारे कॉस्मेटिक बदलाव आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। गाड़ी के इंजन परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर डीजल इंजन और 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाता है। गाड़ी की प्राइसिंग की बात करी जाए तो 10.5 लाख की एक शोरूम प्राइस की शुरुआती कीमत पर गाड़ी आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाती है। थर्ड नंबर पर जो कार आती है वो है हुंडई कंपनी की क्रेटा फेसलिफ्ट मॉडल। गाड़ी की ओवरऑल बात करी जाए तो अपकमिंग हुंडई क्रेटा फेसलिफ्ट मॉडल के अंदर आपको काफ़ी सारे कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिल जाते हैं। साथ ही लुक्स और डिजाइन के मामले में कंपनी की 10वीं SUV न्यू जनरेशन टूसन से इंस्पायर्ड है। क्रेटा फेसलिफ्ट का ये न्यू लुक मौजूदा मॉडल से ज़्यादा स्पोर्टी होने वाला है। इंजन की बात करी जाए तो 1.5 लीटर नेचुरल पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है। साथ ही 6-स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियर बॉक्स के साथ ये गाड़ी आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाती है। गाड़ी की प्राइसिंग की बात करी जाए तो 11 लाख की एक शोरूम प्राइस की शुरुआती कीमत पर गाड़ी आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाती है। फोर्थ नंबर पर जो कार आती है वो है किया कंपनी की स्पोर्टेज। गाड़ी की ओवरऑल बात करी जाए तो किया कंपनी ने अपनी स्पोर्टेज SUV के नई जनरेशन मॉडल को ग्लोबली लॉन्च कर दिया है। इस गाड़ी के एक्सटीरियर, इंटीरियर और इंजन की बात करी जाए तो काफी बदलाव इस गाड़ी के अंदर कंपनी ने किए हुए हैं। गाड़ी की प्राइसिंग की बात करी जाए तो 25 लाख के एक शोरूम प्राइस की शुरुआती कीमत पर गाड़ी आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाती है।